कि अभी मैं RTC सुपौल में हूँ। RTC आप लोगों को पता होगा, SSB का ट्रेनिंग सेंटर बना है जो कि लगभग मैं 2 ईयर पहले ही बना है। तो भाई यहाँ पे जो है अभी जो है वर्तमान में ट्रेडमैन का SSB ट्रेडमैन का यहाँ पे रिक्वायरमेंट चल रहा है और अभी जो फिजिकल हो रहा है, तो फिजिकल में कुछ लड़का क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई करके आया है, तो मैं उनसे रिव्यू ले रहा हूँ। तो अगर आप लोग भी अगर आगे आइएगा तो क्या यहाँ पे जो है दिक्कत होने का होगा, तो वो आप लोग जरूर सुन लीजिएगा भाई लोग से कि कितना सारा यहाँ पे मतलब प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा। तो भाई आप कहाँ से हैं और क्या नाम है ये बताइएगा। हम करजैन के पसवान पट्टी हैं, वार्ड नंबर 2 से हैं, और यहाँ हमको बहुत परेशानी हुआ और यहाँ पर जो है रनिंग का जो बेस है उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता है, और जहाँ तक मेरा भी मरी है जो हम उतना क्वालिफाइड नहीं हो पाए। तो यही बताएंगे, यहाँ आ रहे हैं तो थोड़ा प्रयास करके आना चाहिए, और यहाँ उतना अच्छा जो है बेस नहीं बना हुआ है, ट्रैक बना हुआ है, और क्या बोले ऐसे ही है। अच्छा, ग्राउंड पे क्या सब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है कि आगे अगर कोई भाई आपका आए तो वो सब मतलब फेस नहीं करना पड़े? ग्राउंड पे जाके आगे बेस छोटा हो जाता है, फिर वहाँ पे निकलने में ज़्यादा परेशानी होता है, और गिट्टी उट्टी का परेशानी भी है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो ये है जो बालू भी है, और बालू ज़्यादा ही बालू है, कहीं गिट्टी है, कहीं छोटा सा बन जाता है, जाके 200-250 के बेस में दौड़ते हैं और छोटा इतना बड़ा गैप मिलता है, उस सब आदमी पीछे हो जाते हैं, और यही सब प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई फौज की तरफ से कोई तनाशाही या कुछ दुर्व्यवहार देखने को मिला या नहीं? मार तो बहुत लगा भाई, चल लगा है मार, सबको लगता है। गलती नहीं करते हुए भी हमको रोक दिया गया, मैं 8 मिनट मेरे पास समय बचा हुआ था, लेकिन हमको रोक दिया गया 100 मीटर पहले, तो अब तुम अनक्वालिफाइड हो जाओगे, रिटर्न हो जाओ, फिर बैक करना पड़ा। ठीक है, 8 मिनट बचा हुआ था, हम 1.5 किलोमीटर और तय करना था, हम प्रयास करना चाहे लेकिन हमको रास्ता नहीं रोक दिया, उसके बाद हमको बैक ही आना पड़ा। अच्छा भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम बक्सर बिहार से। बक्सर से आए हैं, बक्सर का भी यहाँ सेंटर दिया है? हाँ। अच्छा, कितना दिन से आप प्रैक्टिस किए थे? हम तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे थे, अगर कोई बंदा है ना आ रहा है यहाँ पर रनिंग करने के लिए तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का रनिंग निकलना मुश्किल है। अच्छा, आपको आपको यहाँ क्या सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? यहाँ ग्राउंड का थोड़ा दिक्कत है, थोड़ा बालू है, रनिंग करने में ग्राउंड का ग्राउंड का जो रनिंग करने वाला लेवल है उसमें दिक्कत हो रहा है, वहाँ तो इसलिए रनिंग कोई भी बंदा है यहाँ पर प्रैक्टिस करना जरूरी है, बिना प्रैक्टिस का यहाँ पर नहीं हो पाएगा। चलिए, ये फॉर्म आप कब भरे थे? ये 2019 का था, 2019 जी। यहाँ पे कितना राउंड मारना पड़ा, कितना मतलब 5 किलोमीटर मार? 5 किलोमीटर है यहाँ पर, 2 राउंड मारना है, लेकिन 2 राउंड मारना अनिवार्य है। चलिए, आप भी कुछ बताइएगा, यहाँ पे कोई अगर जूनियर भाई आए तो उसको क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा कि संभाल के आए या कुछ लेके आए कि यहाँ पे क्वालिफाई हो? मेरे अनुकूल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा जो रेगुलर अभ्यास करके आएगा, प्रैक्टिस करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 लड़का को एक बार दौड़वाया जाता है लगभग में, तो उसमें से जो है ना बहुत ज़्यादा निकल जाता है, फिर 200 से अभव निकल जाता है, तो जिसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस आप अकेले मत कीजिए, जैसे कि मैं गलती किया हूँ, एडमिट कराने से कुछ दिन पहले जो है ना मैं 7-8 दिन दौड़े, मतलब अकेले दौड़ लेते थे, हमको होता है बहुत ज़्यादा दौड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, आपको ग्रुप में दौड़ना है और टाइमिंग लगा के दौड़ना है, अगर वहाँ पे गांव में टाइमिंग मार लेते हैं तो यहाँ पर ज़रूर आप लोग परेशान कीजिएगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए आप लोग टाइमिंग में गांव में मार के आए, और मेरा यहाँ पे आसनसोल गुफा का ये एसएसबी कैंप है, जैसे कि बहुत बड़ा एसएसबी कैंप, और यहाँ पे जो है नए नए बंदे का पूरा ओवर इंडिया से जो है यहाँ ट्रेनिंग होता है, तो यहाँ जैसे भी हम लोग इस सिलेक्शन यहाँ पे होता है इसमें, तो यहाँ पे भी यहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग कर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस में हम लोग रनिंग में ही कुछ डिस्क्वालीफाई हो गए, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी था, पैर में दर्द होने लगा था और हवा होने लगा था, इस कारण से जो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया, तो यही बोलेंगे कि आप लोग जो प्रैक्टिस करके जरूर आए, आते हैं तो प्रैक्टिस करके आइए, नहीं तो मत।
आइए और देखने के पर्पज से जो अगर आते हैं तो आइए। यही सब जो है प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम वही है कि आप जूता पहन के दौड़ सकते हैं और नहीं भी दौड़ सकते हैं। और ये भी है कोई भाई और जूता पहन के दौड़ता है, कोई वैसे भी दौड़ता है, तो सबका अपना अपना क्षमता का बिल्कुल है, इससे मैं ज़्यादा आप लोग को क्या कहूँगा। आप लोग देख लीजिए कितना खूबसूरत जो है कैंप है, आई एस एल एच है 57 और इस एल एच के और भी जिला में सुपौल जिला में है और यही सब बात है। जो हमारे मिट्टू भैया बोले हैं वो बहुत अच्छी बात बोले हैं और जहाँ तक अपना भी गलती का करना पड़ेगा, सामना बतना पड़ेगा। इसलिए कारण ये भी है कि हम लोग को अब जो है इससे जो मन भर गया है, बार बार जॉब लेना ही है, क्योंकि बार बार हम लोग इससे पहले भी मेडिकल में चुके हैं, अब जो है दौर करते नहीं है वैसे आ जाते हैं उधर, जैसे कि अभी गाँव में रहते नहीं बार बार जो है हम रहते हैं तो गाँव में से तो आ गए दौड़ने के लिए लेकिन नहीं कर पाए, अब दिन तक दौड़े लेकिन जो है 200 मीटर तो वही नहीं हो पाए। नहीं हो पाए कोई बात नहीं, अभी खुश है होता है, कोई भी खुश नहीं होता तो भी तो भाई मैं ये बता दूं, ये जो एसएसबी ट्रेनिंग सेंटर देख रहे हैं ये लगभग 2 साल पहले बना है और मैं बता दूं कि ये बिहार का फर्स्ट ट्रेनिंग सेंटर है और पूरा इंडिया में 13 टोटल एसएसबी का ट्रेनिंग सेंटर है, जो कि बिहार में एक जो बना न्यू बना 12 पहले था, 13 जो हुआ है ये 13वां जो है बिहार में लगा, बिहार में जो है लगभग में सुपौल जिला में। तो आप लोगों को यहीं पे भी फिजिकल हो रहा है ट्रीटमेंट, एसएसबी ट्रीटमेंट का, आगे जो है एसएसबी कम्युनिकेशन है, आगे एसएसबी हेड कांस्टेबल है, तो सभी का यहाँ पे रिक्वायरमेंट होने वाला है और फिजिकल होने वाला है। तो मैं होगा तो यहाँ से आप लोगों को बार बार लाइव दिखाते रहूँगा, तो आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मैं मिलता हूँ इस तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।